Hello viewers, good morning and welcome to all of you. I am Dr. Tahir Amin Khan, Head Department of English, Government Degree College, Dungi, Rajouri. Today, I am going to have a lecture on the topic Good Manners, that is a prose and essay adapted from An Introduction to Citizenship, and it is written by J.C. Hill. Aims and objective of the lecture. This lecture aims to explore the following objectives. Introduction of the author J.C. Hill. Writer's thought on human being, importance of social relationship. We should help the world. Children must aware of their parents' hardship. Significance of good manners. Good manners come from sympathy, communal interactions, need of humility. So in this very essay, J.C. Hill, who is a famous writer who has written about literature and history, source of the essay is An Introduction to Citizenship. Human beings are fragile. We have a short stay in this world. During a short stay here, we must help each other as much as we can. Good manners consider others' existence in the same world. Show sympathy to yourself and to others too. Know your limitations. So in this very essay, J.C. Hill वो हमें ये बता रहे हैं कि good manners क्या होते हैं. फिर वो एक नौजवान, a young man, a very healthy, prosperous young man जो है उसकी story जो है हमें बताते हैं. कहते हैं कि when he was very healthy, very prosperous, he shows no regard and sympathy for others. एक नौजवान आदमी जब वो सेहतमंद था, खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, वो दूसरों के साथ जो था उसका रवैया, जो attitude था वो अच्छा नहीं था और हमदर्दी show नहीं करता था. He has a very ill attitude. और फिर क्या होता है, he was ill and victimized of influenza. वो बीमार होता है, influenza होता है उसे, और फिर देखते ही देखते उसे pneumonia हो जाता है. वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वो चल भी नहीं सकता है, बहुत कमज़ोरी महसूस करता है. क्या होता है कि जब वो रिकवर हो जाता है तब उसे एहसास होता है, तब उसके जो एटीट्यूड होता है उसमें चेंजिंग आती है, तब उसे लगता है कि हमें दूसरों की हमदर्दी करनी चाहिए, दूसरों का एहसास होता है उसे. वो जो दूसरे जो लोग, जो कमज़ोर लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, जब उन पे उसकी नज़र पड़ती है तो जिस लाचारी से वो गुजर के आता है, हेल्पलेस से गुजर के आता है, उसको उसका एहसास होता है. अब वो क्या करता है, वो लोगों की मदद करता है. कहीं वो देखता है, कहीं बसेस में, रेलवे या कहीं ट्रेन में वो देखता है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी या नॉर्मल आदमी, वीक आदमी जो है वो खड़ा है, तो उसे सीट देने की कोशिश करता है. कहने का मतलब ये है कि उसका एटीट्यूड जो है, जब वो परेशानी से गुजरता है तो उसमें चेंजिंग आ जाती है, अब दूसरों के साथ वो हमदर्दी शो करता है. और ये क्या कैसे होता है कि वो उसको इन्फ्लुएंजा जो है अटैक करता है, जो उसकी इलनेस की वजह से फिर उसकी जो एटीट्यूड है उसमें चेंजिंग आती है. और फिर ये, और ये भी बताता है वो इस एसे में जो है, J.C. Hill हमें बताता है कि इसके बाद क्या होता है कि जब कभी हम देखते हैं, हम रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एन ओल्ड मैन हेजिटेटिंग ऑन क्रॉसिंग,
तो हम देख लेते हैं क्योंकि बूढ़ा आदमी जो है हेजिटेट स्टेशन शो कर रहा होता है जब वो क्रॉसिंग कर रहा होता है, तो हम उसे बुरा भला कहते हैं, हम उसे ओल्ड फूल भी कहते हैं। तो हमें उसे नहीं कहना चाहिए, डोंट कॉल हिम एज एन ओल्ड फूल थिंक, क्योंकि हो सकता है वो जो आदमी आपको बूढ़ा दिख रहा है, जो कमज़ोर दिख रहा है, जिसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी वार में किसी जंग में जो है वो जख्मी हुआ हो और उसको ये प्रॉब्लम हुई हो, तो वो उसने एक बहुत बड़ा जो है काम किया हो, लिहाजा हमें उन लोगों को बुरा भला नहीं करनी चाहिए, हमें उनके साथ भी सेम्पथी शो करनी चाहिए, गुड रिकॉर्ड्स देने हैं। इसी तरह फिर आगे जो है जैसे गिल एक दूसरी एग्जाम्पल देता है, वो कहता है कि हमारे जो वालदेन हैं, थिंक अबाउट द हार्ड वर्क ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे जो वालदेन हैं वो हमारी बेहतरी के लिए बहुत सफ़र होते हैं, बहुत ही परेशानियों का सामना करते हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, दे डू देयर बेस्ट टू मेक आवर लाइफ वेल, टू सी देयर चैलेंट्स देयर चिल्ड्रन हैप्पी, तो वो हर किस्म की जो है परेशानी का सामना करते हैं ताकि अपने बच्चे जो है उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छा कपड़ा अच्छा खाना दिया जाए। तो हमें भी चाहिए, हम जो जो बच्चे हैं उनको भी चाहिए कि उनकी जो वो हार्डशिप है, जो उनकी मेहनत है, जो बच्चों के लिए उनकी जो हमदर्दी है, उसका बच्चों को भी एहसास होना चाहिए, ताकि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोचे और उनको बुढ़ापे में या कहीं कोई परेशानी होती है तो उनको असिस्ट कर सकें। गुड मैनर्स आर सो इम्पॉर्टेंट वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, कहते हैं गुड मैनर्स की अहमियत तब भी होती है जब हम अपने दोस्तों में भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हम अपनी थिंकिंग जो होती है उसी पे बहस करने शुरू हो जाते हैं, हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वो बेहतर कह रहे हैं और दूसरों की सुनते भी नहीं हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरे जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वही दुरुस्त है, लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जो हम कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रोज़ में जो पोइट जो राइटर है उसने प्रोज राइटर जो है जैसी हेल है उसने एग्जाम्पल भी दी कि एक बोल की एग्जाम्पल भी दी थी कि जब क्लास में टीचर जो है क्वेश्चन करता है, जब उनको वो इमेज शो करता है उसकी बॉल फाइटिंग की, तो बच्चों को क्वेश्चन पूछता है आप बताइए इसको इसका जो है इस एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सप्रेस कीजिए उसकी जो पिक्चर जो है उसको, तो बच्चे जो हैं उसकी रॉन्ग एक्सप्रेशन शो करते हैं। बेसिकली उसमें एक कान जो होता है उसके जो जो इमेज बनी होती है वो टर्न सी उसकी फेस होता है और वो जो कान जो है वो शो हो रहा होता है, लेकिन वो कौन जो ऐसे लगता है जैसे कि वो टंग शो हो रही है, तो बच्चे ये बताते हैं कि ये इसकी टंग शो हो रही है, लेकिन बेसिकली वो टंग नहीं वो उसका एहर कान होते हैं, तो देखकर भी वो बच्चे जो है गलत बताते हैं। तो कहने का मतलब जो ये है कि हम कभी कभी देखकर भी गलत बताते हैं कह सकते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, हम गलत भी हो सकते हैं, लिहाजा हमें दूसरों को सुनना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस हम ही बोलते जाते हैं, दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं बोलने का, हमें दूसरों को भी मौका देना है बोलने का, क्योंकि थोरियो जो है इसमें जेसी हिल कहते हैं थोरियो जो है अमेरिकन जो राइटर हैं फिलासफर हैं उनकी बात करता है, वो कहता है कि सच बोलने के लिए दो आदमी का होना ज़रूरी है, एक बोले और दूसरा सुने, दूसरे में पेशेंस होना चाहिए सुनने का, और एक में इतना बोलना चाहिए कि इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा तंग पड़ जाए, और उसे ये भी सोचना है कि वो दूसरा जो है मुझे अच्छे से सुन रहा है अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं, अगर उसे लग रहा है कि वो इरिटेट हो रहा है तो उससे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो इसमें जो है राइटर ये भी बताता है कि कंसेप्ट ऑफ जो सोशलिज्म है, अकॉर्डिंग टू राइटर कहता है कि कंसेप्ट ऑफ जो सोशलिज्म है इसके बारे में बताता है कि हम तो समझते हैं सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म में तो बेहतरी है जिसमें गवर्नमेंट जो है अपने जो उसके सिटीजन्स हैं उनकी वेलफेयर की उनकी भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन कहता है कि जो सोशलिज्म है इसका मीनिंग कोई दूसरा आदमी जो है अलग भी सोच सकता है, वो इसका मतलब रोबरी भी सोच सकता है जो कि अपोजिट मीनिंग है लूटना, लेकिन अगर उसकी थिंकिंग अलग है लेकिन आपने उससे बहस नहीं करनी है, आपने उससे बहस नहीं करनी है क्योंकि बहस करना जो है फजूल है, दूसरा जो है उसकी थिंकिंग अलग है आपकी थिंकिंग
अलग अलग है। ज़्यादा हमें जो है ज़्यादा बहस नहीं करनी है, और हमें यह भी नहीं सोचना है कि हम ही दूसरे हैं और दूसरा गलत है। फिर कहता है, योर रिएक्शन ऑफ द टॉयर्सम क्वेश्चन ऑफ द पीपल, इट इज ओनली स्टूपिड पीपल हु टेक रिमार्क्स टू लाइटरली। देखो, हम जैसे ही इस प्रोज में ये भी बताता है, कभी कभी हमें हमसे जो हमारे बड़े हैं या कोई भी दूसरा जो आदमी है, कभी कभी हमें वो हम पे कमेंट करता है, हमें कुछ रिमार्क्स देना चाहता है, तो हम उसे नेगेटिव ले लेते हैं। इसी प्रोज में वो एक वुमेन की बात करते हैं, जब वो एक बच्चे को एक उसको उसको स्कूट्स कहते हैं, जो है उसने जो उसने वो हाफ शर्ट्स जो वगैरह पहनी हुई थी, तो उससे वो जब वो कमेंट करती है, तो बच्चा जो है उसे कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एग टोस्ट, क्योंकि बच्चे को लगा कि ये मुझे नेगेटिव कमेंट कर रही है। बेसिकली वो वुमेन जो है उसको देखकर मुतासर होती है, उसे उसकी ड्रेसिंग अच्छी लगती है, वो कहती है, वो कहना चाहती है कि आप बड़े अच्छे दिख रहे हो, लेकिन जो है बच्चा जो है इरिटेशन शो करता है, नेगेटिव सोचता है और वो इरिटेट हो जाता है। तो लिहाजा हमें ऐसा जो है इरिटेट नहीं होना है। लर्न टू कीप क्वाइट व्हेन यू हैव लिटिल टू से, गिव ए चांस टू योर फ्रेंड टू से सम। जब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, खामोश रहने की कोशिश करनी है और कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरों को सुनने के समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों को मौका भी देना है। जैसे मैंने पहले बताया कि कभी कभी क्या होता है कि हम बस अपने ही कमेंट किए जाते हैं, अपनी थिंकिंग शो कर रहे होते हैं, दूसरे को सुनने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी हम ऐसे बोल रहे होते हैं, दूसरा बोर हो रहा होता है, हमें उसका एहसास भी होना चाहिए। और फिर हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। डोंट थिंक यू कैन से एनी थिंग अनप्लेजेंट बिहाइंड हिज बैक, और ये मत सोचना चाहिए आप किसी की बैक बाइटिंग करोगे तो आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो और दूसरे को पता भी नहीं चल सकता है। आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं तो वो बात जो दूसरे तक पहुंच जाती है, और वैसे भी हमें बैक बाइटिंग किसी की नहीं करनी चाहिए, दैट इज नॉट ए गुड मैनर। तो जेसी हिल इस प्रोज में कहते हैं, डोंट थिंक यू कैन से एनी थिंग अनप्लीजेंट बिहाइंड हिज बैक, और फिर वो ये बताता जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है। वेरियस रिमार्क्स ऑफ द पीपल अबाउट द सेम इंसिडेंट, और इसमें जेसी हिल मोर ओवर ये भी बताता है हमें, एक्सपेरिमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स दैट हाउ मेनी एरर्स पीपल डू मेक इन देयर स्टेटमेंट्स, सम स्टूडेंट एंड द पिक्चर ऑफ ए बुल फाइट। जब मैं पहले जिक्र करके आया हूँ कि कभी कभी हम जो है हम देख कर भी गलत बताते हैं, जैसे कि बल फाइट जो है, जब उसकी पिक्चर शो की जाती है, टीचर जो है स्टूडेंट को शो करता है, तो बच्चों के अलग रिमार्क्स होते हैं और कुछ जो है और रॉन्ग रिमार्क्स शो करते हैं, देख कर भी वो दुरुस्त नहीं बता रहे होते हैं, उनको जो कान है उसको वो उसकी टांग समझते हैं। तो हमें अपनी बात पर डटना नहीं है। हम कभी कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो अभी जो चीज़ें हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, हम गलत भी कह सकते हैं। सो हमें ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना है। देयर आर ए गुड चांस टू मेक यूअर आर्गुमेंट रॉन्ग, सो बी केयरफुल वाइल मेकिंग एनी स्टेटमेंट और एनी आर्गुमेंट, द ट्रुथ एज वी सी इट इज ऑनली अवर ट्रुथ। और जो ट्रुथ हमें दिख रही है, जो हमारी थिंकिंग है या हम देख रहे हैं, वो हमें ही ट्रुथ लग रही है, हो सकता है वो गलत भी हो। तो लिहाजा जो हम सोच रहे हैं, हमें यही नहीं सोचा कि जो हमारी सोच है वो गलत है वो ठीक है, और दूसरों की सोच जो है वो गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना है। तो जो कंक्लूजन है इसका, ये जो प्रोज जो है इसका कंक्लूजन जो है, उसमें ये है कि गुड मैनर्स इज एन आर्ट टू लाइव हैप्पली इन दिस वर्ल्ड। कहते हैं कि गुड मैनर्स क्या है, एक आर्ट है, एक स्किल है हमें इस दुनिया में खुश रहने के लिए। और गुड मैनर्स हैं क्या, वो कैसे हम अडॉप्ट करेंगे, हम में आएंगे। गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग सेम्पथी विद अदर्स। गुड मैनर्स हमें तभी आएंगे जब हम दूसरों के साथ सेम्पथी शो करेंगे, हमदर्दी शो करेंगे। गुड मैनर्स कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अवर ऑन लिमिटेशन। और गुड मैनर्स में ये भी बात है कि गुड मैनर्स तभी हमें आएंगे जब हम अपने लिमिटेशंस को समझेंगे, हम अपनी लिमिटेशंस, हमें अपनी जो हदूद हैं उनमें रहना है, उनको समझना है, तभी हम जो हैं बेहतर इंसान बन सकते हैं और
हम में गुड मैनर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वी शुड ऑलवेज रियलाइज दैट वी आर हम्बल अनइम्पॉर्टेंट लिटिल पीपल ऑन द अर्थ। तो हमें ये भी एहसास होना चाहिए, हमें ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम क्या हैं, हम हकसर हैं, हम आजिज़ हैं, हम सिंपल पीपल हैं। हम इस दुनिया जो दुनिया है इसमें हमें हमारी कोई इतनी बड़ी अहमियत, हमें ये नहीं सोचना है कि इस दुनिया में जो कुछ है हम ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं जो कुछ है वही है, जो कुछ कह रहे हैं वही ठीक कह रहे हैं और बाकी लोग सब गलत हैं, बाकी दुनिया में कोई उन जैसा है ही नहीं। हमें ऐसा नहीं सोचना है बल्कि हमें हमेशा हम्बल सोचना है और अनइम्पॉर्टेंट पर्सन समझना है इस वर्ल्ड में, अनइम्पॉर्टेंट लिटिल पीपल ऑन द अर्थ। आई एक्सपेक्ट टू पास थ्रू दिस वर्ल्ड बट वंस, देयरफॉर डू एनीथिंग गुड दैट आई कैन एंड काइंडनेस दैट आई कैन शो टू एनी फेलो क्रिएचर। तो बेसिकली जो जेसी जो जेसी हिल जो राइटर हैं, प्रोज राइटर हैं, जो ऐसे राइटर हैं इन दिस वेरी प्रोज इन दिस वेरी ऐसे, वो हमें यही बताना चाहते हैं कि गुड मैनर्स क्या होते हैं और हमें कैसे उनको अडॉप्ट करना है। जैसे उन्होंने इस ऐसे में हेल्दी यंग मैन के एटीट्यूड के बारे में बात की, जब वो हेल्दी था, प्रेस लाइफ जी रहा था, तब उसे उसका एटीट्यूड जो था कितना इल एटीट्यूड था, जब वो परेशान इन्फ्लुएंस का विक्टिमाइज हुआ, नमूनिया हुआ, वीकनेस और हेल्पनेस जब उसमें आई, जब फिर रिकवर हुआ, तब उसकी एटीट्यूड में कैसे चेंजिंग आई। फिर वो बताते हैं इसमें पूरा, उसने एग्जांपल देके बताता है कैसे, जैसे हम कभी क्रॉस कर रहे होते हैं, रोड पे चल रहे होते हैं, तो हमें कोई ओल्ड मैन हेजिटेशन शो कर रहा था चलते हुए, तो हम कैसे उसको बुरा भला कहते हैं, हमें उसे बुरा भला नहीं करना है, ओल्ड फूल नहीं कहना है, हो सकता है कि वो किसी जंग में जख्मी हुआ हो। फिर पेरेंट्स की बात की है, पेरेंट्स कितनी हमारे लिए सफरिंग करते हैं, हमें उनका एहसास होना चाहिए। फिर सोच की बात की है, और फिर उसने ये भी एग्जांपल दिया है कभी कभी हम देखकर भी गलत बता सकते हैं, जैसे बल्ब फाइटिंग की पिक्चर थी, तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अलग अलग रिमार्क्स दिए और वो भी रॉन्ग दिए, वहाँ पर उसका एयर को वो टंग समझ रहे थे, कहते हैं हम देखकर भी गलत कह सकते हैं। तो हमें इस बात पर नहीं डर जाना है कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है, हम जो कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। हमें ज़्यादा किसी से ज़्यादा बोलना भी नहीं है और दूसरे को बोलने का मौका भी देना है। और फिर उसने सोशलिज्म की जैसे बात की कि जो थोरियों की बात की, उसने कहा कि सच्चाई के लिए ज़रूरी है कि दो आदमी हों और उसमें एक बोले और दूसरा सुने। और फिर सोशलिज्म की बात की कि उसका मायने जो है दूसरा गल भी सकता है, कोई रोबली भी समझ सकता है। अब उसकी थिंकिंग है, आप इसमें बहस मत कीजिए। और कंक्लूजन में यही बताता है कि गुड मैनर्स क्या होते हैं और हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। उस सबसे बड़ी बात कि हम दूसरों के लिए जो है हमदर्दी शो करें, और जब ये गुड मैनर्स हम आएंगे तभी हम खुशहाल ज़िंदगी भी जी पाएंगे। और दूसरी बात उसने ये बताई कि हमें अपनी लिमिटेशन जो है उनको अंडरस्टैंड करना। और फिर तीसरी बात उसने कही कि हमें ये सोचना है कि हम हम्बल पर्सन हैं, हमें हमेशा हम्बल रहना है, सिंपल रहना है, हमें जो है हमें ये सोचनी चाहिए। उसके अलावा तभी ये मुमकिन है कि हम जो है एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी प्रोज। So, in this very prose, Jesse Hill tries to tell we people that what are good manners. And while explaining the same, he told a story of a young man who was very healthy, very and has a very prosperous life, and he has in starting he has very ill attitude, but when he suffered from pneumonia and after recovering from the same his attitude changed, and now he has lot of sympathy for other people, old men and weak people. And moreover, in this very prose, Jesse also told us that when you are driving on a road and you see any people showing hesitation while moving on the road, don't say him old fool. हमें उसे बुरा भला नहीं कहना है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी जंग में या कहीं उसको जख्मी हुआ हो। हमें अच्छे मैनर शो करने हैं, उसे रिस्पेक्ट करनी है। मोर ओवर स्पोक अबाउट
our parents and their sufferings, and he stress us to realize their suffering and shows respect for them. Moreover, in this very prose, the writer also told a story about a teacher who showed a picture of bull fighting to his students, and when he asked questions, remarks about that very picture, और वहाँ पर उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो रॉन्ग रिमार्क्स दे रहे हैं, वो देखकर भी उस पिक्चर को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम देखकर भी गलत बोल सकते हैं, तो हमें इस बात पर नहीं डट जाना है कि हम जो कह रहे हैं वो ही सच कह रहे हैं। हो सकता है हम जो कह रहे हैं वो हमारे लिए ट्रुथ हो, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो फिर इसमें उसने सोशलिज्म की बात की, कहा कुछ लोग हैं इसका जो है उसको रॉबरी मायनी भी समझ सकते हैं। हमें दूसरे की थिंकिंग को समझना है, और हमें यही नहीं सोचना है जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जब हम बोल रहे होते हैं दूसरों को भी मौका देना है, और हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी है। तो इसी तरह जो है ये जो प्रोज है वो कंक्लूड होता है कि गुड मैनर्स क्या हैं। उसमें सबसे बड़ी बात कि हमें दूसरों के लिए हम सहमति शो करनी है। दूसरी बात कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को हम्बल शो करना है। और तीसरी बात कि हमें जो है अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी